Hello, students. How are you? I hope you all are fine. So, well, students, it's your SST class. Okay, and today we will read class 7th Geography. It's a student's chapter 1. We will start from chapter 1 Geography, and it's a first video of this chapter. Okay, students, so let's start. All right as you can see the first chapter title is environment. Okay. So students, what is environment? At first we will clear about this concept of environment. Kya hota hai environment. So you know students, all of you इट्स अ वेरी क्लियर एनवायरमेंट इज सराउंडिंग्स वातावरण ओके तो क्या है वातावरण वट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग ओके वट डू यू डिफाइन बाई एनवायरमेंट वर्ड ओके सो स्टूडेंट द टोटल सरकम्स्टेंस इज सराउंडिंग एंड ऑर्गेनेज्म ग्रोप और ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज अन्वायरमेंट ओके अगेन एन्वायरमेंट इज सराउंडिंग क्या है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण क्या होता है पर्यावरण ओके okay. तो द टोटल सरकमस्टेंसेज वे सभी चीजें जो हमारे चारों ओर वातावरण में हैं हमारे आसपास चारों ओर पाई जाती हैं वो सब क्या है वातावरण है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स की ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं पर्यावरण बोलते हैं ओके सो टुडे अवर टॉपिक इज एनवायरमेंट ओके स्टूडेंट सो लेट्स स्टार्ट वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग फैक्टर

ओके okay, तो क्या है यहां पर हम एक रवि की स्टोरी के द्वारा हम एनवायरमेंट को क्लियर करेंगे ओके okay? कि क्या क्या एनवायरमेंट है एनवायरमेंट को इफेक्ट करने वाले कारक कौन से हैं कौन कौन सी चीजें एनवायरमेंट में आती हैं उसको हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टोरी जो कि रवि की है उसके द्वारा हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ओके स्टूडेंट सो डेफिनेटली यू ऑल इंजॉय इट ओके आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन एक लंबी छुट्टी के बाद जब रवि जस्ट लाइक अ समर वैकेशन विंटर वैकेशन तो आप लोग भी काफ़ी समय के बाद क्या करते हैं स्कूल जाते हैं तो और समटाइम्स आप स्कूल में कुछ चेंजेस भी देखते होंगे ओके okay? तो ऐसा ही कुछ चेंज रवि ने भी एक लंबी वैकेशन के बाद जब वह स्कूल गया तो उसने देखा क्या देखा उसने ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉच डाग कि उसके स्कूल के पास जो एक खेल का मैदान था उसमें खुदाई हो रही थी ओके okay? people said that a huge building with many flats will be constructed there. okay तो जब वो वहाँ पर गया तो वहाँ पर लोग कह रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत बन रही है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे वह उस उस निर्माण कार्य के लिए उस खेल के मैदान के पास खुदाई की जा रही है ओके okay? And Ravi watched almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. Okay. रवि वॉच ऑलमोस्ट इन टीयर्स जब रवि को समझ आया कि अच्छा यहाँ पर इमारत बन रही है तो उसको आंसू आने लगे उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे जब उसको यह समझ में आया कि अब इस जगह पर जिस फील्ड में खुदाई हो रही थी अब इस जगह पर बिग प्लेग्राउंड ग्राउंड जहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल का मैदान था वहाँ पर इट्स अ सॉफ्ट ग्रास उसकी मुलायम घास एंड मैरी गोल्ड्स मैरी गोल्ड मीन्स गेंदे का फूल एंड बटरफ्लाई और तितलियों वाला जो यह एक विशाल मैदान है अब हमेशा के लिए गॉन फॉर एवर नष्ट हो जाएगा हमेशा के लिए अब ये मैदान यहाँ से चला जाएगा क्योंकि इसकी जगह पर अब वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी यह सोचते हुए रवि की आंखों से आंसू छलकने लगे ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट्स इन असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग ओके ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट्स उसने अपनी इन बातों को अपने क्लासमेट्स यानी सहपाठियों को बताया कि देखो अब ये जो बड़ा सा खेल का मैदान था यहाँ पर जो खेल के मैदान के पास एक और बड़ा मैदान था जहाँ पर खुदाई हो रही थी से पहले तो यहां पर सुंदर सी तितलियां घूमती थी घास के मैदान थे और मैरी गोल्ड के फूल चारों और गेंदे के फूल चारों तरफ खिले रहते थे अब इसकी जगह पर क्या हो जाएगी एक बिल्डिंग और बहुत सारे फ्लैट्स वाली एक बिल्डिंग अब यहां पर बन रही है ओके इन द असेंबली असेंबली मीन्स स्कूल की जो सभा होती है ठीक है मॉर्निंग असेंबली इवनिंग असेंबली तो इन द असेंबली सभा में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व तो जब आ, सभा हो रही थी तो प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा वह भी काफी ये सब चीजें देखकर उदास हो रहे थे उनको भी ये सारी चीजें पसंद नहीं हो रही थी तो वो उदास हो रहे थे और उन्होंने कहा सी हाव अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग देखो कैसे हमारा एनवायरमेंट कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है इन द क्लास रवि आस्ट हिज टीचर वट इज़ एनवायरमेंट वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग साइड द टीचर ओके अब जब रवि अपनी कक्षा में पहुँचा तो उसने रवि ने अपने शिक्षक से पूछा अपने टीचर से पूछा क्यों पूछा क्योंकि असेंबली में उनके प्रिंसिपल ने काफ़ी उदासी से कहा था था कि सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग देखो हमारा पर्यावरण हमारा एनवायरमेंट कैसे बदल रहा है तो उसके बाद असेंबली के बाद जब रवि क्लास में गया तो उसने अपने टीचर से पूछा टीचर वट इज अवर एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण क्या है वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग साइड द टीचर तो उसके टीचर ने रिप्लाई किया कि जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं वह पर्यावरण है Okay, तो जब उसने पूछा रवि ने कि पर्यावरण क्या है तो उनके शिक्षक ने बताया जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो ये सभी चीजें क्या है पर्यावरण में है ओके okay? रवि थाट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल्स चेयर इन द्लास रूम इवन दैट ओपन फील्ड द रोड द गाबेज माई फ्रेंड्स ऑल आर पार्ट्स ऑफ अवर एनवायरमेंट ओके तो रवि कहने लगा अब रवि ने फिर जोर से कहा रवि थाट अलाउड रवि मन में जोर से सोचने लगा अलाउड और उसने कहा कि अच्छा दैट मीन्स इसका अर्थ है कि स्कूल की इमारत स्कूल की बिल्डिंग टेबल्स में चेयर इन द क्लास रूम कक्षा में जितनी भी कुर्सियां हैं इवन दैट ओपन फील्ड और ओपन फील्ड भी खुला मैदान भी सड़कें गार्बेज कचरा कूड़ा कचरा माई फ्रेंड्स मेरे मित्र ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट तो क्या ये सभी हमारे पर्यावरण के भाग हैं यस येस द टीचर तो टीचर ने कहा हाँ बट वेट लेकिन रुको सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाई नेचर फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स रिवर्स ट्रीज एनिमल्स अदर आर मेड बाय पीपल फॉर एग्जाम्पल रोड्स कार्स क्लोथ्स एंड बॉक्स ओके तो जब रवि ने कहा कि अच्छा ये सारी चीज़ें एनवायरमेंट हैं तो टीचर ने कहा हाँ ये सब हैं लेकिन जरा रुको कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है क्रिएटेड मीन्स निर्माण करना रचना करना बाई नेचर प्रकृति के द्वारा कुछ चीज़ों की का निर्माण हुआ है उदाहरण के लिए माउंटेन्स पर्वत रिवर्स नदियाँ ट्रीज पेड़ एनिमल्स जानवर ओके एंड अदर्स आर मेड बाय पीपल और कुछ चीज़ों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है मानव के द्वारा यानी कि मानव निर्मित चीजें हैं उदाहरण के लिए रोड्स सड़कें कार्स क्लोथ्स बुक्स ओके okay? कार कपड़े और किताबें ना वर्क इन पेयर्स मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाई ह्यूमन बीइंग्स ओके तो आप टीचर कहते हैं कि आप दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए अपने निकट ओके दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए और अपने निकट आपके जो भी क्लासमेट्स हैं तो उनके साथ मिलकर अपने निकट की सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए ओके तो क्या करना है उन्होंने उन्होंने कहा कि अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए एक्टिविटी करिए और अपने पास बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित चीजों की सूची बनाइए ओके सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स तो जितने भी फ्रेंड्स थे क्लासमेट्स थे उनको अब उनके टीचर ने एक एक्टिविटी दी और उस एक्टिविटी में क्या करना था नेचर ऑफ क्रिएशंस की लिस्ट uh, बनानी थी एंड बाय द तो उनकी भी क्या बनानी थी सूची बनानी थी ठीक है जैसे नेचर ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर के अंदर माउंटेन रिवर्स ट्रीस एनिमल्स आ जाएंगे एंड बाई ह्यूमन बींग्स स्कूल बिल्डिंग फ्लैट टेबल चेयर एक्सेट्रा ओके रवि परमजीत जैसी मुस्तफा आशा व ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट वाई इज अवर एनवायरमेंट चेंजिंग ओके आस्ट इकबाल इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ अवर नीड्स ऑल राइट तो रवि एक क्लासमेट उनके फ्रेंड्स में से एक बच्चा रवि था एक परमजीत एक जैसी एक मुस्तफ़ा आशा ये सभी बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए ठीक है एंड अबाउट मेकिंग द लिस्ट किस बात के लिए उत्सुक हुए इस लिस्ट को बनाने के लिए जैसे आप लोगों को कोई एक्टिविटी दी जाती है तो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसे ही ये बच्चे भी काफ़ी खुश हुए वाई इज आवर एन्वायरमेंट चेंजिंग आज इकबाल तो इसी बीच में जब वे काफ़ी उत्सुक थे इस एक्टिविटी को कर रहे थे तो इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है और क्यों बदल रहा है ओके देन इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स और फिर उन्होंने बताया कि यह हमारी आवश्यकताओं के कारण बदल रहा है किसने आंसर दिया उनके शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण हो रहा है ओके

लाइफ सपोर्ट हमारे जीवन का एक मूल आधार है क्यों मूल आधार है इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ द वाटर वी ड्रिंक द फूड वी ईट एंड द वे ऑफ वी लीव ओके तो क्यों एनवायरमेंट uh, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है क्योंकि यह पर्यावरण ही हमें हवा देता है जिससे हम सांस लेते हैं ब्रीथ द वॉटर पानी देता है जो हम पीते हैं वी ड्रिंक द फूड हमें भोजन देता है वी ईट जिसे हम खाते हैं एंड द लैंड वे लीव और भूमि देता है जहां पर हम रहते हैं ओके okay? इसीलिए दैट्स वाई एनवायरमेंट इज़ कॉल्ड अवर लाइफ बेसिक सपोर्ट सिस्टम ओके इसीलिए एनवायरमेंट को क्या कहा जाता है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है यानी हमारे जीवन का मूल आधार पर्यावरण को हम कहते हैं ओके हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट तो अब मॉडिफाई मॉडिफाई मीन्स परिवर्तन करना उसको और अधिक बेहतर बनाना तो कैसे मानव ने हमारे इस प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किए ओके द कार फ्यूम्स पॉल्यूट वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट फूड इज सर्वड इन वेल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज ओके तो जो कार थी स्टूडेंट्स कार का धुआं क्या करता है वायु को प्रदूषित करता है पॉल्यूट करता है फ्यूम्स मीन्स स्मोक धुआं पॉल्यूट मीन्स प्रदूषित करना तो कार का धुआं या कोई भी बाइक और फोर व्हीलर या कोई भी व्हीकल्स का जो फ्यूम्स mm, होता है जो धुआं होता है वो हमारी वायु को क्या कर देता है प्रदूषित करता है वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट ओके एंड वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट और जितना भी पानी होता है उसको पात्र में पात्र यानी बर्तन वेसल्स में एकत्रित किया जाता है पॉट में एकत्रित किया जाता है फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स और भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज और भूमि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है फैक्ट्रीज बिल्ड में किया जाता है कारखाने बनाने में किया जाता है ह्यूमन बींग्स में कार्स मिल्स फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स ओके और जितने भी मानव हैं वे कार बनाते हैं मिल कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करते हैं दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरमेंट इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है आपको समझ में आया कैसे मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है क्योंकि प्रकृति ने हमें जंगल दिए वन दिए लकड़ी दी दि, पानी दिए हवा दी लेकिन हम मानव ने उन सभी चीजों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं के कारण उनका इस्तेमाल कर उनमें परिवर्तन कर दिया ठीक है कैसे जैसे जो धुआं था कार की धुआं से हमने वायु को प्रदूषित कर दिया हमने कार का यूज किया पानी को हमने पात्रों में एकत्रित किया भोजन को हमने बर्तनों में परोसा ठीक है भूमि जो भूमि हमें दी गई थी पर प्रकृति के द्वारा उसको हमने काट कर उस पर हमने अपनी इमारतें सड़कें और पानी के ऊपर हमने पुल बनाए तो ये सब चीज़ें करके हमने क्या किया प्रकृति पर्यावरण को परिवर्तित कर दिया ओके सो दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे वे क्या कर रही हैं हमारी जो आवश्यकताएं हैं जो भी हमारी ज़रूरतों के कारण हम पर्यावरण को बद बदल रहे हैं ये जरूरतें इंक्रीज हो रही हैं डे बाई डे ये बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स ओके और ये आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण हम क्या कर रहे हैं हमारी प्रकृति के आसपास का जो वातावरण है या हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है उस पर हम परिवर्तन करते जा रहे हैं और कभी कभी तो हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स और कभी कभी हम अपनी प्रा, अपने प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश भी नष्ट भी उनको कर देते हैं द टीचर रिप्लाई टीचर ने उत्तर दिया ओके okay, स्टूडेंट्स सो बायोटिक हेयर इज़ वन वर्ड बायोटिक बायोटिक मीन्स स्टूडेंट्स जैविक बायोटिक मीन्स जैविक ओके एंड अ बायोटिक मीन्स अ जैविक सो वट इज़ बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स जैविक में वे सारी चीज़ें आएंगी हमारे संसार के सभी जैविक चीजें सभी जीव जिसमें पौधे भी हैं और जिसमें जानवर भी हैं सारी सजीव चीज़ें क्या कहलाती हैं जैविक यानी बायो कहलाती हैं या इसको हम सजीव या जैविक भी कहेंगे एंड अबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं जैसे भूमि टेबल चेयर ये सारी चीज़ें अजैविक कहलाएंगी ओके okay? तो जिसमें कि लाइफ नहीं होती लाइफ लेस चीज़ों को हम क्या कहते हैं अबायोटिक अजैविक या निर्जीव कहते हैं ओके okay? फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन अब जितना भी टीचर और स्टूडेंट्स और क्लासमेट्स के बीच में जितनी भी बातें हुई थी यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट्स अराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट तो ऊपर के सभी कन्वर्सेशन से ठीक है किन किन के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था क्लासमेट्स के बीच में हुआ था टीचर के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में तो आप सभी समझ गए होंगे कि स्थान नंबर वन प्लेस स्थान पीपल लो थिंग्स वस्तुएं एंड नेचर प्रकृति देट अराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट तो जितनी भी जैविक चीजों के आसपास ये सारी चीजें होती हैं वे क्या कहलाता है एनवायरमेंट कहलाता है ओके okay? तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग स्थान वस्तुएँ और प्रकृति को पर्यावरण एनवायरमेंट कहते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड Okay? तो ये क्या है परिघटनाओं का फिनोमैना मीन परिघटनाओं का तो पर्यावरण क्या है, है. है? है? है प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का कॉम्बिनेशन तो है, है मिश्रण है मिला जुला भाग मतलब जुले चीजें ही पर्यावरण कहलाती हैं जो प्रकृति और मानव के द्वारा बनाई गई चीजें हैं वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ ओके प्राकृतिक पर्यावरण पर पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं ओके तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें जीवी और अजीवी ठीक है यानी कि लिविंग भी और नॉन लिविंग भी दोनों कंडीशंस एग्जिस्ट होती हैं पाई जाती हैं

पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं किन किन चीजों से मिलकर पर्यावरण बना है तो अब अगर हम इसे स्टूडेंट्स ब्रॉडली देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन ओके सो सबसे पहले क्या होता है जो पर्यावरण का जो घटक है इसे हम मेनली तीन भागों में बांट देते हैं नेचुरल प्राकृतिक ह्यूमन मेड मानव निर्मित एंड ह्यूमन मानवीय पर्यावरण ओके तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है स्टूडेंट्स एयर एटमोसफेयर ठीक है वायु भी क्या है पर्यावरण का एक घटक है वाटर जो कि हाइड्रोस्फेयर हम जानते हैं उसको तो वाटर भी क्या है पर्यावरण के घटक का एक भाग है ऐसे ही लैंड लिथोस्फेयर भूमंडल ठीक है भूमि एंड लिविंग थिंग्स बायोस्फेयर जैमंडल जिसमें सभी लिविंग थिंग्स होती हैं ठीक है एंड इसका दूसरा घटक है ह्यूमन मेड एनवायरमेंट ठीक है अब ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन मेड एनवायरमेंट किसे कहेंगे ऐसी चीज़ें जो मानव निर्मित चीज़ों के द्वारा हमारे आस पाई जाती हैं जिनमें कि सारी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई हैं वो प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिली जैसे कि बिल्डिंग मानव बनाता है पार्कस ब्रिजेस पुल रोड्स सड़कें मॉन्यूमेंट्स स्मारक इंडस्ट्रीज कारखाने ये सभी किसने बनाए हैं मानव ने बनाए हैं इसीलिए इनको मानव निर्मित कहा जाता है और ये हमारे चारों ओर पाई जाती हैं इनमें से कई सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वे भी हमारे पर्यावरण का एक घटक है ओके सो वट इज ह्यूमन मेड एन्वायरमेंट बिल्डिंग पार्क ब्रिजेस रोड्स इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स ओके ना वी विल रीड ह्यूमन इट्स ऑल्सो अ वन कंपोनेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ह्यूमन ठीक है तो हमारे पर्यावरण का एक घटक मानव भी है अब मानव पर्या, मानवीय पर्यावरण को भी हम कितने भागों में बांटेंगे इसके भी कई भाग हैं इसमें एक मानव भी आता है इंडिविजुअल ठीक है हमारे चारों ओर जितने भी मानव हैं वे किसके अंदर आते हैं ह्यूमन का एनवायरमेंट के अंदर आते हैं मानवीय पर्यावरण के अंदर इसमें इंडिविजुअल है फैमिली है परिवार कम्युनिटी समुदाय रिलीजियन धर्म एजुकेशनल शैक्षिक इकोनॉमिक आर्थिक पॉलिटिकल सिचुएशन राजनीतिक स्थिति ये सभी भी एनवायरमेंट के क्या हैं कंपोनेंट्स हैं ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट पैरा ह्यूमन एनवायरमेंट ह्यूमन एन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़ क्रिएशंस एंड इंटरैक्शन्स अमंग ह्यूमन बींग्स अब जितनी भी मानवीय पर्यावरण हैं जबकि जो मानवीय पर्यावरण है उसमें मानव की सभी एक्टिविटीज़ आती हैं ठीक है चीके? उसमें मानव की सभी एक्टिविटीज़ को रिवील किया गया है सम्मिलित किया गया है उसमें उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें उनके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके द्वारा जो क्रिएशंस किए गए हैं जो चीज़ बनाई गई हैं एंड इंटरेक्शंस इंटरेक्शन मीन्स उस उनकी आपस में जितनी भी क्रियाएं होती हैं परस्पर क्रियाएं आपस की जो होती हैं मानव के बीच में और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं, ओके ये सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं मानवीय पर्यावरण में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएँ ओके इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स मानव की परस्पर क्रियाएँ उनकी गतिविधियाँ ओके okay, उनकी एक्टिविटीज़ एंड क्रिएशंस और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएँ सम्मिलित हैं ओके okay? सो so, मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएँ उनकी गतिविधियाँ एंड उनके द्वारा बनाई गई रचनाएँ सम्मिलित होती हैं सो नाओ वी विल रीड नेचुरल एनवायरमेंट ओके अब नेचुरल एनवायरमेंट क्या है नेचुरल एनवायरमेंट मीन्स स्टूडेंट्स प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल मीन्स प्राकृतिक एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइज द नेचुरल एनवायरमेंट यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग्स ऑफ लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमोसफेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम यूअर प्रीवियस क्लास फ्रॉम यूर प्रीवियस क्लास ओके तो अब देखो नाम से ही क्लियर है नेचुरल एन्वायरमेंट नेचुरल एन्वायरमेंट मीन पर्यावरणीय वातावरण ठीक है प्राकृतिक वातावरण नेचुरल एनवायरमेंट मीन्स प्राकृतिक वातावरण इसमें क्या क्या आता है देखो लैंड भूमि वाटर पानी एयर हवा प्लांट्स पौधे एंड एनिमल्स और जानवर कॉम्प्राइज द नेचुरल एनवायरमेंट ये सभी किसको मिल, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं नेचुरल एनवायरमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एटमोस्फेयर एंड बायोस्फियर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास आप सभी

सड़के ये सब ली तो इस में आती है हाइड्रोस्फीयर पानी के वाटर बॉडीज एरियाज में आता है एटमॉस्फेयर वायुमंडल में ठीक है वायु में समस्त चीजों चीजें एटमॉस्फेयर में आती है एंड बायोस्फीयर यानी मंडल हम सभी का जो इंटरेक्शन होता है हमारे एनवायरनमेंट के साथ हाइड्रोस्फीयर के साथ एटमॉस्फेयर के साथ बायोस्फीयर जैवमंडल उसके अंदर आ जाता है फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस ओके लेट अर्स लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की कुछ और बातों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे इसी की हम डिटेल्स पढ़ेंगे लीथोस्फेयर की हाइड्रोस्फेयर की एटमोस्फेयर और बायोस्फेयर का डिटेल अब हम आगे को पढ़ेंगे सो स्टूडेंट एट फोर्स्ट लीथोस्फेयर ठीक है क्या लिथोस्फेयर है अभी आपको बताया था जैसे नाम से ही क्लियर है लिथोस्फीयर यानी भूमंडल ओके लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ अब क्या है भूमंडल ठीक है तो स्टूडेंट सॉलिड क्रस्ट सॉलिड क्रस्ट मीन्स ठोस पट्टी या कठोर ऊपरी परत ओके तो हमारी पृथ्वी की ठोस पट्टी या ऊपरी कठोर परत को स्थल मंडल या लीथोस्पेयर भूमंडल या स्थल मंडल कहा जाता है ठीक है जैसे कि हम आ, अप, अपने घर से जमीन पर उतरते हैं जमीन पर जब जाते हैं ठीक है तो हम जमीन पर जैसे ही हमारी पृथ्वी का जो भी ऊपरी भाग है हम जमीन पर ही चलते हैं ज़मीन पर हमारे घर बनते हैं ठीक है सड़क बनती है तो वो भाग क्या होता है बहुत ही कठोर होता है तो वो सारे भाग ही क्या है लिथोस्फीयर है जिसको हम क्या कहते हैं स्थलमंडल कहते हैं तो यह एक कठोर परपट्टी या ऊपरी कठोर परत होती है हमारी पृथ्वी की इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल ओके इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स अब ये जो कठोर परपट्टी होती है ये किससे मिलकर बनी होती है रॉक्स यानी चट्टानों से मिलकर बनी होती है एंड मिनरल्स और खनिज से मिलकर बनी होती है जो कि एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ अल जो कि मिट्टी की एक पतली परत से ढकी हुई होती है कौन सी लीथोस्पेयर किसकी बनी होती है लीथोस्पेयर स्थलमंडल किसका बना होता है चट्टानों और खनिज से मिलकर बना होता है जो कि मिट्टी की ए, एक पतली परत के द्वारा ढका हुआ रहता है इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स एज माउंटेन्स प्लेट्योस प्लेन्स वैलीज एक्सेट्रा ओके एंड माउंटेन्स मीन्स पर्वत प्लेटियोज पठार प्लेन्स मैदान वैलीज घाटी ओके इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस इरेगुलर सरफेस मीन्स विषम अलग अलग धरती की सर जो धरातल होती है जो सतह होती है तो हमारे स्थल मंडल में असमान धरती की सतह होती है असमान सतह होती है या यह विषम धरातल वाला होता है जैसे कि विषम धरातल कहीं पर तो क्या होंगे पर्वत होंगे स्थल मंडल पर कहीं पर पठार होंगे होंगे कहीं पर मैदान होंगे कहीं पर घाटियाँ होंगी तो यह क्या है पहाड़ पठार मैदान घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है लैंडफॉर्म्स मीन्स स्थलाकृति मीन्स कि हमारे भूमंडल में सभी जगह रेगुलर सरफेस नहीं होती एक सी सतह नहीं होती बल्कि हर जगह पर असमान सतह होती है जैसे कि कहीं पर पर्वत होंगे कहीं पर पठार होगा कहीं पर मैदान घाटी तो अलग अलग स्थलाकृतियों वाला यहाँ होता है लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स ओके ओशियन फ्लोर्स मीन्स होता है महासागर की सतह ओशियन फ्लोर्स महासागर की सतह लैंड तो जो ये लैंड फॉर्म्स है ये जो स्थलाकृति हैं यह महाद्वीपों में तो पाई जाती ही हैं ठीक है थीके? महाद्वीप के अलावा यह ओशियन फ्लोर्स यानी महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं ओके okay? लीथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट ग्रास लैंड्स फॉर ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ ओके स्टूडेंट्स लीथोस्फेयर इज द डोमेन ओके तो स्थल मंडल वह डोमेन है डोमेन मीन्स क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कि हमें प्रोवाइड करता है हमें देता है फॉरेस्ट वन ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड ग्रेजिंग मीन्स चराने के लिए ठीक है लैंड फॉर एग्रीकल्चर भूमि यानी एग्रीकल्चर मीन्स खेती के लिए कृषि के लिए ग्रास मींस मीन्स घास के मैदान चरागा ठीक है तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन कृषि एवं ह्यूमन सेटलमेंट मानव बस्ती ठीक है भूमि किसके लिए देता है खेती करने के लिए और मानव बस्ती यानी हमारे घरों को बनाने के लिए भूमि देता है ग्रास लैंड यानी घास के मैदान किसके लिए देता है हमें वन या घास के मैदान हमें किसके लिए देता है पशुओं को चराने के लिए पशुओं के भोजन के लिए देता है तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि पशुओं को चरने के लिए घास स्थल यानी ग्रास लैंड घास के मैदान या घास प्रदान करता है। मिनरल वेल्थ मीन खनिज संपदा यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है यहां से हमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स यानी विभिन्न प्रकार के खनिज भी प्राप्त होते हैं okay? सो so here स्टूडेंट दिस इज अ फिगर 1.2 and this एंड दिस इज द पिक्चर domains इंडिकेट डोमेन्स ऑफ यहाँ पर देखिए आप एक पिक्चर आप देख सकते हैं यह हमें बताता है डोमेन्स ऑफ द environment की पर्यावरण के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं ठीक है थीके? तो हमने जैसे पहले पढ़ा था पर्यावरण हमारे चारों ओर आस पास की सभी चीजें हमारी क्या है पर्यावरण में आती हैं तो अब इस पिक्चर में हमें और क्लियर है देखो स्टूडेंट atmosphere यानी कि वायु मंडल कहाँ पर है वायुमंडल हवा में वायु में ठीक है नाम से ही क्लियर है वायु का जो क्षेत्र है वह वा वायुमंडल कहलाता है देन बायोस्फीयर बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर भी हाइड्रोस्फीयर भी बायोस्फीयर भी और लिथोस्फीयर भी ये सभी चीजें क्या करती हैं आपस में इंटरैक्ट करती हैं ओके एंड देन हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज एरिया यू कैन सी लिथोस्फीयर लैंड एरिया ओके यानी कि स्थलमंडल ओके सो द डोमेन ऑफ वाटर इज रेपॉर टू एस हाइड्रोस्फेयर जैसे आपको बताया था हमने प्रीवियस क्लासेस में हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल क्या होता है पानी का क्षेत्र यानी जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है हाइड्रोस्फेयर या जलमंडल कहा जाता है इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स लेक सीज ओशियंस एक्सेट्रा इट इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कॉम्प्राइजेज अब ये जो हाइड्रोस्फेयर है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ठीक है ठीके? कौन कौन सी चीज़ें इस पर आती हैं किन चीजों से मिलकर ये कॉम्प्राइज हो रहा है किन चीज़ों से मिलकर यह बन रहा है इसमें विभिन्न प्रकार के पानी के स्रोत ठीक है अब पानी के स्रोत तो अलग अलग होते है, रिवर्स भी होती लेक्स होते है पॉइंट होते हैं सीज ओशियन तो यह विभिन्न प्रकार के पानी के स्रोत और विभिन्न प्रकार के जल क्षेत्र जैसे कि नदियां रिवर लेक्स झीलें सीज सागर ओशियंस महासागर आदि से मिलकर बनता है ओके okay, तो यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी झील समुद्र महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाय जलाशयों से मिलकर बनता है ओके इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसेंशियल मींस आवश्यक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रत्येक सभी प्राणियों के लिए जैविक प्राणियों के लिए यह सभी जीवित प्राणियों के लिए सभी सजीव चीजों के लिए बहुत आवश्यक है क्या आवश्यक है हाइड्रोस्फेयर यानी जल that okay द एटमोसफेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट्स अराउंड द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉसफेयर अराउंड एट ओके द एटमॉसफेयर ऑफ द थिन लेअर ऑफ एयर दैट्स अराउंड द अर्थ अब हम वायुमंडल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हमने हमें मालूम है वायुमंडल के बारे में हमने पढ़ा था ठीक है तो क्या है वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हवा की यानी वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं हमने पढ़ा था ना क्लास में तो अगेन हम इसको रिपीट करते हैं द एटमोस्फेयर इज द थिन सराउंड्स द अर्थ एटमोस्फेयर क्या है वायुमंडल क्या है हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा की पतली परत वायुमंडल होती है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोस्फेयर अराउंड इट ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल ठीक है तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वह अपने चारों ओर के वायुमंडल को पकड़े रखता है होल्ड करे रखता है इट प्रोटेक्ट्स आर्स यह हमारी सुरक्षा करता है कौन वायुमंडल किससे सुरक्षा करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेस एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन ओके स्कॉचिंग स्कॉचिंग मीन स्टूडेंट्स बहुत तेज तेज वाली झुलसाने वाली गर्मी से स्कॉचिंग बोलते हैं बहुत झुलसाने वाली बहुत अत्यधिक तेज यह हमारी सुरक्षा करता है हानिकारक किरणों से और झुलसाने वाली स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन और सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से हमारी प्रोटेक्शन करता है इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर और हमारे वायुमंडल में बहुत अधिक संख्या में गैस धूल के कण और जल वाष्प होता है ओके वाटर वेपर होता है द चेंजेस इन द एटमोस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट ओके और जो वायुमंडल में जो चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स द चेंजेस इन द एटमोसफेयर वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होते हैं जो भी चेंजेस होते हैं वह उससे मौसम एवं जलवायु में वेदर एंड क्लाइमेट वेदर मौसम क्लाइमेट जलवायु तो वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड अब हम बायोस्फीयर पढ़ेंगे बायोस्फीयर में भी हम हमें क्लियर था कि क्या बायोस्फीयर है जैवमंडल बायोस्फीयर तो जहाँ पर प्लांट पौधे और एनिमल और जानवर ठीक है एक साथ मिलकर रहते हैं लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है बायोस्फीयर कहा जाता है यानी पादप पौधे एवं जैव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं इट इज जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर सपोर्ट लाइफ जैसा हमने अभी आपको पहले बताया था कि बायोमंडल बायो की बायोस्फेयर में मतलब जैवमंडल में यह हम सभी लैंड वाटर और एयर ये सभी चीजें इंटरेक्ट करती हैं हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ओके तो यह क्या है यह एक ऐसी चीज़ है वायुमंडल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक संकीर्ण क्षेत्र हम कह सकते हैं नैरो जोन हम कह सकते हैं जहाँ स्थल जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं जीवन को सपोर्ट करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स Now here, this side key terms we will read first, then we will start next topic word origin. ठीक है अब ये word origin हम पढ़ेंगे कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई कैसे हुई ठीक है एनवायरमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरनर ओके एनवायरनर एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड अब जो एनवायरमेंट शब्द है जैसा कि हमारे इस चैप्टर का टाइटल है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण अब यह शब्द आया कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ पर हुई यह एक फ्रेंच वर्ड है ठीक है फ्रेंच शब्द है इनवायरोनैर ओके और एनवायरोनैर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ हम क्या कहते हैं नेबरहुड कहते हैं ठीक है फ्रेंच शब्द मैं इसकी मीनिंग क्या होती है एनवायरनमेंट की मीनिंग नेबरहुड यानी पड़ोस होती है तो पड़ोसी तो है एनवायरमेंट हमारे आसपास की सारी चीजें ठीक है ठीके? नेक्स्ट लेट्स डू आओ कुछ करके देखते हैं अब क्या करना है स्टूडेंट्स लुक एट यूर सराउंडिंग अपने आसपास के स्थल को देखिए मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन यूर नेबरहुड इज बींग टू और आप अपने आसपास देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का प्रयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची आप बनाइए ओके नेक्स्ट लेट्स डू चलिए करते हैं वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन यूर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम आपके घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं आप देखिए वह कहाँ से आता है मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ और आप आपके दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न प्रयोगों की एक सूची बनाइए कि आप पानी कि का कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हो ड्रिंकिंग बाथिंग वॉशिंग क्लीनिंग ऐसे जो भी जहाँ जहाँ पर आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है उसकी आपको लिस्ट बनानी है ओके हैव यू सीन एनी वन वेस्टिंग वाटर क्या आपने कभी किसी को पानी वेस्ट करते हुए वे देखा है हाओ कैसे वो पानी वेस्ट करते हैं ठीक है ठीके? तो वो भी आपको मेंशन करना है <coughs> लेट्स डू चलिए कुछ करके सीखते हैं ऑब्जर्व द स्काई वाइल्ड कमिंग टू स्कूल जब आप स्कूल आते हैं स्कूल जाते समय आसमान को ध्यान से देखिए मेक अ नोट वेदर द इज क्लाउडी रेनी सनी फॉगी एक्सेट्रा और स्कूल आते समय देखिए अभी आप स्कूल तो आ नहीं रहे हैं तो आप अपने घर पर ही आप देख सकते हैं घर के बाहर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आप घर अपने रूम के बाहर जाकर देखिए कि कैसा आसमान दिखाई दे रहा है ठीक ठीक है वर्षा हो रही है रेनी वर्षा हो रही है या क्लाउडी या फिर आसमान में बादल है सनी तेज धूप है या फॉगी कोहरा है एक्सेट्रा सो ना डे स्टूडेंट्स यू नो रेनी सीजन तो आई थिंक या तो आसमान में बादल होंगे या रेनी होगा ठीक है या फिर मे बी पॉसिबल कि अगर धूप आ रही है बारिश नहीं हो रही तो आपका जो आसमान है वह सनी भी यानी धूप भरा भी होगा ओके now here we will read first ecosystem okay so students ecosystem से भी आप परिचित होंगे ये word भी आपने previous classes में पढ़ा था again हम इस word को देखेंगे ecosystem means होता है पारितंत्र ठीक है इन हिंदी यू कैन से पारितंत्र अब क्या है पारितंत्र इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स द ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लीव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल ओके सो इकोसिस्टम ठीक है स्टूडेंट इको सिस्टम मीन्स पारितंत्र इट इज़ अ सिस्टम यह एक ऐसा सिस्टम है यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें इंटरेक्शन होता है परस्पर क्रियाएं होती हैं सभी सजीव चीज़ों की सभी सजीव वस्तुओं की क्रियाएं होती हैं यानी कि सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के साथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के साथ कारकों के साथ आपस में इंटरैक्शन करते हैं क्रियाएं करते हैं अब वे क्रियाएँ क्या होती हैं ऑफ़ द एनवायरनमेंट इन विच दे लीव ये क्रियाएं कहाँ पर वे करते हैं जहाँ पर वे रहते हैं जिसमें वे निवास करते हैं ओके ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ़ एनर्जी एंड मटेरियल्स और जब ये क्रियाएं करते हैं तो ये सब ऊर्जा और पदार्थ का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऊर्जा एवं पदार्थ का मटेरियल का क्या करते हैं पदार्थ का आपस में उसकी सहायता से उसको निकालते हैं ठीक है ऑल लिंक्ड बाई जुड़े रहते हैं ठीक है ये किसी से एनर्जी

ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इस सभी ऊर्जा और एनर्जी और मटेरियल से ठीक है ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण से ट्रांसफर से या तो ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं या स्थानांतरण करते हैं इससे क्या करते हैं ये जुड़े रहते हैं ओके तो क्या है पारितंत्र वह तंत्र, तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण से संबंधित होते हैं ओके सो लेट्स डू चलिए करके देखते हैं ठीक है अब क्या करना है स्टूडेंट्स लेट्स डू स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी अब आपका ये एक्टिविटी एक और आ गई है इसमें आपको स्केच करना है ओके डायग्राम बनाना है या फिर आप एक ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ योर प्लेस जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की एक फोटो लेकर आइए लाइक द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी जैसे कि स्टोरी में स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के पास जैसी स्टोरी थी जैसे हमने स्टूडेंट की स्टोरी पढ़ी उसी पर हमें स्केच करना है और या फिर आपके स्थान का एक फोटो बनाना है ठीक है तो कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र या फोटो लगाइए देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये बनाया गया है अपॉन्ड इकोसिस्टम इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्केच ऑफ अ पौन्ड इकोसिस्टम यानी एक ताल का पारितंत्र बनाया है ठीक है यहाँ पर एक पौंड यानी ताल या तालाब का पारितंत्र बनाया है ठीक है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं सी एनिमल्स हैं फ्लावर्स हैं ठीक है प्लांट्स हैं ट्रीज हैं बर्ड्स हैं ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छे से ये सभी चीज़ें आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं और एंड ऑल लिंक्ड बाई ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल और ये सभी चीज़ें एनर्जी यानी ऊर्जा एंड मटेरियल यानी पदार्थों से इसके आदान प्रदान से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इनके ट्रांसफ़र से क्या है रिलेट कर रही हैं ठीक है ठीके? और आपस में इनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन्स हैं इन सभी के द्वारा आपस में और ये आराम से यहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं, ओके स्टूडेंट्स सो इट्स ओवर नाउ टूडे क्लास टूमरो आई विल बी बैक विथ अनदर टॉपिक ओके सो टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय